फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे, न्यूज तक के साथ आप जुड़े हुए हैं। और जो मुद्दा है वो इस समय पूरे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो छात्रों को लेकर है, और छात्रों में भी खासकर उन छात्रों को लेकर जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था या आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्जाम दिए थे। ये अब एक बड़ा मुद्दा हो गया है, हिंसक प्रदर्शन भी हुआ है इसको लेकर, काफी विरोध जताया जा रहा है कि जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है। दरअसल पूरा जो मामला है बहुत काफी टेक्निकल है, इसको समझने के लिए मेरे साथ मेरी साथी निधि हैं। निधि इस पूरे मामले को शुरुआत से कवर कर रही हैं, काफी दिनों से कवर कर रही हैं। निधि, पहले तो मैं आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि आखिर मामला है क्या है। अब जो शुरुआत करेंगे आज के लेटेस्ट डेवलपमेंट से, लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट पर जो विरोध हो रहा था उसके ऊपर एक कमेटी अब बिठा दी है, और वो कमेटी अपना जवाब देगी। 4 मार्च तक का समय है, स्टूडेंट्स के पास 16 फरवरी तक का समय है कि वो जो कि अपनी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको वो भेज सकते हैं रेलवे को। हम आपको ईमेल आईडी भी रेलवे की बता देंगे जिस पर आप अपने जो भी कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, वो भेज सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये जो अविचल आपने किया कि आखिर ये कंसर्न्स हैं क्या, ये हमने अपने पिछले रिपोर्ट्स में भी काफी बार बताया है कि क्या कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के। दरअसल रेलवे ने 2019 में ये कहा था कि हम 20 गुना कैंडिडेट्स को ये नौकरियां देंगे, और नौकरियां भर्तियां कितनी है इसमें 35,000 के करीब, 35,000 x 2 अगर हम करें तो हो जाता है करीब 7 यानी कि 7 लाख कैंडिडेट्स को रेलवे ने इसमें सिलेक्ट करना था। और यहाँ ये भी बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की यहाँ हम बात कर रहे हैं, और सीबीटी 1 एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसके बाद आप सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, और सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद 35,000 को ही असल में नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 7 लाख सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, अंत में सिर्फ उनको नौकरी मिलेगी जो सीबीटी 2 पास कर पाएंगे। तो इसी बात को लेकर पूरा विरोध है कि कई कैंडिडेट्स का नाम सीबीटी 1 के रिजल्ट्स में एक से ज्यादा कई पदों पर आया है, क्योंकि क्या होता है कि 1, 2, 3, 5, 6 ऐसे करके लेवल्स होते हैं जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो एक से ज्यादा लेवल पर एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा पद के लिए सिलेक्ट हो गया सीबीटी 1 में, तो यहाँ पर छात्रों का जो आक्रोश है, जो उनका जो जिस बात पर पूरा विवाद है वो यही है कि एक से ज्यादा बार कई छात्रों का नाम है, कई का 2 बार है तो कई का 5 बार 7 बार नाम है। तो जो टोटल है यहाँ पर 7 लाख, जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हाँ हमने 7 लाख सिलेक्ट किए हैं, लेकिन विरोध इस बात का है कि 7 लाख नहीं, असल में सिर्फ 2 लाख ही सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि 7 लाख में ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनका 2 बार नाम है, 3 बार नाम है, 5 बार नाम है, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो ड्यूप्लीकेशन है उसको आज रेलवे ने, रेल मंत्री ने भी, अश्विनी वैष्णव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि हम इसको देखेंगे, समझेंगे, और इसीलिए उन्होंने कमेटी भी बिठाई है। रेलवे का अपने आप में कहना ये बड़ी बात है, क्योंकि और आंदोलन भी क्योंकि बहुत बड़ा रहा स्टूडेंट्स का, अब भी आंदोलन जारी है, और अब उम्मीद है कि जिस हिसाब से कमेटी बिठाई गई है और उसके रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे, रिकमेंडेशंस के तौर पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स को भी देखा जाएगा, और कई अन्य पहलू हैं जिसमें देखे जाएंगे, और फिर इस पर रेलवे नए सिरे से हो सकता है कुछ फैसला करे, कुछ अच्छी खबर इन एनटीपीसी छात्रों के लिए लेकर आए। निधि, आपके जवाब में मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जो रेलवे और छात्रों का अलग अलग अपना कहना है, रेलवे ये कह रहा है कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था वो कभी भी वादे के साथ नहीं किया था कि वो ऐसा करेंगे सीबीटी 2 के लिए, लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि रेलवे ने हमेशा कहा कि वो 20 गुना को लेकर आएगा, जितनी पोजीशंस हैं इस हिसाब से 7 लाख हो जाते हैं, लेकिन रेलवे ने केवल 11 गुना को ही सिलेक्ट किया है, और उसमें भी ऐसे छात्र ज्यादा हैं जो 2 पोजीशंस पे जा सकते हैं। क्या यही बड़ी वजह है जो क्लैश हो रहा है? जी हाँ, सबसे बड़ी वजह, और इसके एक सब वजह बोले तो एक हाई कट ऑफ होना, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स थे और
ग्रेजुएट्स और प्लस टू का भी यहाँ इशू रहता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी होता है, वो एक खैर एक अलग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो भी। लेकिन जी हाँ, विरोध मुख्य तौर पर इसी बात का है कि आपने रेलवे ने 2019 की नोटिफिकेशन में 20 गुना कहा था। छात्र इस बात को लेकर आक्रोश में है कि जब आपने 20 गुना कहा था तो आपने 20 गुना क्यों नहीं किया। लेकिन बता दें कि रेलवे आज भी यही कह रहा है, यानी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही और आंकड़े बताए कि हमने 20 गुना के हिसाब से ही 7 लाख कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। और जब सवाल आता है कि ये 20 गुना आपने सिलेक्ट तो किए लेकिन इनमें एक ही कैंडिडेट का नाम 3, 4, 5 बार है, तो यहाँ पर रेलवे कहता है कि सबसे पहले तो 2019 की नोटिफिकेशन के हिसाब से रेलवे कहता है कि हमने डिस्टिंक्ट कैंडिडेट्स कभी नहीं कहा था कि हम डिस्टिंक्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, हमने कहा था 20 गुना सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रेलवे की यह सफाई रहती है। लेकिन आज जो रेलवे का स्टैंड आया है उसमें काफी नरमी देखने को मिली है और रेलवे ने कहा है कि हम संवेदनशीलता से इस मामले को देखेंगे। और जरूर यहाँ ये भी बात है कि रेलवे ने अगर इतनी नरमी दिखाई है और स्टूडेंट्स की बात एटलीस्ट सुनने की कोशिश की है, ये अपने आप में एक अच्छी पहल भी है। और अब छात्रों के पास 16 फरवरी तक का समय है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो बता सके और 4 मार्च तक जो वो कमिटी है वो अपनी रिकमेंडेशंस सरकार को देगी और उसके बेसिस पर अब आगे का फैसला होगा कि वो आखिर जो 20 गुना वाला जो मुद्दा है जो आपने अविचल सवाल किया कि असल में वो 20 गुना किस मापदंड पर वो कहा गया है, क्योंकि 20 गुना की डेफिनेशन सरकार की टोटली अलग है और जो छात्र सोच रहे हैं वो अलग है। जैसा आपने बोला कि कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि असल में 11 गुना ही है और असल में एक हिसाब लगाया जाए तो हो सकता है कि करीब 2 लाख के अराउंड ही ऐसे स्टूडेंट्स हो जो यूनिक कैंडिडेट्स हो। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूनिक कैंडिडेट्स का मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि सरकार को समझ नहीं आती बात। सरकार को जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें सरकार को एक एक मुद्दा बड़ा क्लियरली पता है कि ये स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं और उसको एड्रेस करने की अब कोशिश है। उम्मीद कर सकते हैं छात्र कि कुछ इसमें आपके लिए कोई अच्छी खबर बनकर आए, एड्रेस कर सकती है सरकार। उसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार से देरी हो गई, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है और जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे हैं खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से रेल को लेकर, रेल मतलब क्योंकि परीक्षा ही रेल की थी तो रेल को जलाया गया, कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए या फिर कई बार पुलिस जो है हॉस्टल में जाकर जो छात्रों को निकाल रही है, सब तरह के हमने विजुअल्स देखे हैं, सब तरह की स्थितियां देखी और इस समय भी एक तरह से प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जो रेल मंत्री ने कहा कि जांच कमेटी बिठा दी गई है और ये कोई हल्का एक तरह का कोई एग्जाम नहीं है, उन्होंने कहा कि नो डाउट जेईई बहुत बड़ा एग्जाम है जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, यूपीएससी हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्जाम होता है, बड़ा एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर आवेदन इतने ज्यादा है, 1 करोड़ से कहीं ज्यादा आवेदन है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज करना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन जो जांच कमेटी की बात है, क्या जांच की जाएगी आखिर? जी अविचल, जांच कमेटी की जहां तक सवाल है, सरकार ने जांच कमेटी तो बिठा दी है लेकिन ये जांच किस बात की करेगी? सबसे पहले तो आपको बता दे जो मुद्दे ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसको अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि मोटे तौर पर हमें पता है कि किन मुद्दों की हमें जांच करनी है, वो चाहे वो हाई कट ऑफ का, चाहे वो 20 गुना कैंडिडेट्स के विवाद पर हो कि असल में 11 गुना ही है, 2 लाख ही है वो स्टूडेंट्स, तो इन्हीं सभी मुद्दों की नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स को परखेगी, देखेगी कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस की इस प्रक्रिया में क्या हमसे कोई चूक हुई है किसी तरह की। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रेलवे का कहना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मानी है, स्वीकारी है कि हाँ हम सुनने को तैयार हैं। तो जरूर कहीं अपने आप में मन में जरूर होगा कि अभी भी कोई इसमें कसर रही होगी शायद रिजल्ट बनाने में, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन है, तो आप सोचिए कि शायद सरकार के भी मन में जरूर है कि शायद कोई कसर रही होगी और उसको वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल इसको लेकर एक और है, वो ये है कि एक RRB NTPC CBT 2 का एग्जाम रद्द किया सरकार ने, एक और एग्जाम सरकार ने रद्द किया है RRB का ग्रुप डी का एग्जाम, इसको क्लैरिटी से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि क्या एक ही एग्जाम रद्द हुआ है या
जी दूसरा एग्जाम रद्द हुआ है, तो एक क्लैरिटी आप दे दीजिए। सबसे पहले बता दें जो आज सुबह ही जो खबर आई कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम जो कि फरवरी के महीने में ही होना था, यानी अब से कुछ दिन दूर ही जो एग्जाम था उसको सरकार ने कैंसिल नहीं पोस्टपोन कर दिया, मतलब अभी के लिए स्थगित कर दिया, ये एग्जाम होगा। बता दें कि सीबीटी 2 का एग्जाम होगा लेकिन जांच का जो पूरा मामला है उसको सुलझाने के बाद। और दूसरी बात आपको बता दें, आरआरबी ग्रुप डी का जो सीबीटी 1 एग्जाम था वो सरकार ने यहाँ पर पोस्टपोन किया है, स्थगित किया है, और इसको भी पूरे मामले को सुलझाने के बाद इसको इस एग्जाम को लिया जाएगा, डेट्स अनाउंस होंगी स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम किसी तरह से कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है कुछ वक्त के लिए। हालांकि आपको बता दें, क्योंकि आपने यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का जिक्र किया इसलिए बता दें कि ग्रुप डी के छात्रों को किस बात का उनका किस बात का विरोध था। दरअसल ग्रुप डी के जो छात्र हैं उनका एग्जाम अब तक हुआ ही नहीं था, ये भर्तियां भी 2019 में निकाली गई थी और ये करीब 1 लाख के करीब वैकेंसी थी जो यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने यहाँ पर अप्लाई किया, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। और अब इसके एग्जाम होने थे फरवरी से, फरवरी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23 फरवरी से एग्जाम शुरू होने थे। अब स्टूडेंट्स का विरोध इस बात को लेकर है कि एग्जाम से कुछ ही दिन पहले यानी अब से 4-5 दिन पहले के पहले एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली और कहा कि इसको हम 2 स्टेज में कराएंगे, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2, जबकि सरकार ने जो पिछली नोटिफिकेशन है 2019 की नोटिफिकेशन में कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो हमें 1 से ज्यादा स्टेज में कराने पड़ सकते हैं, ऐसी बात सरकार ने बोली थी। लेकिन अब छात्रों का विरोध इसको लेकर है कि आपने प्रोसेस में एक और स्टेज जोड़कर प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और छात्रों का विरोध अब इसी बात को लेकर है, वो चाहते हैं कि दूसरा स्टेज ना हो, उन्हें दूसरे स्टेज से ना गुजरना पड़े। तो ये है ग्रुप डी को लेकर जो छात्रों के मन में चिंताएं हैं, और इसको भी इसी वजह से ये एग्जाम अब स्थगित भी हुआ है, क्योंकि इस पर भी हो सकता है कि कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाए। और सरकार का लगातार यही कहना था, अगर हम बात करें कि 2019 से आज तक का समय हो गया है और सीबीटी 1 एनटीपीसी की बात करें तो उसका रिजल्ट अब जाकर आया है, ग्रुप डी की बात करें तो उसका अब तक एग्जाम ही नहीं हुआ है और अब फिर से स्थगित हुआ है इन कारणों की वजह से। तो ये छात्र 2019 से इस इंतजार में थे कि चलो भाई अब हमारा रिजल्ट होगा, हमारा एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार का लगातार यही कहना है कि ये जो पूरा डिले है ये कोई भी एजेंसी कोई भी कराए इतना समय तो लगेगा। ये अश्विनी वैष्णव ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि इतना समय तो लगेगा ही इस एग्जाम को अच्छे तरीके से कराने के लिए। जो देरी की बात स्टूडेंट्स कई बार ये मुद्दा उठाते थे कि देरी क्यों कर रही है सरकार, तो अश्विनी वैष्णव ने पहले बताया कि टेंडर की वजह से पहले देरी हुई थी कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है उसको चुनने में वो उस प्रक्रिया में पहले देरी हुई, और उसके बाद कोरोना की परिस्थितियां हुई, थोड़ा सा यहाँ वहां पर रुकना पड़ा और अंत में जाकर 2021 में ये एग्जाम पूरा हो पाया और अब रिजल्ट में हम जानते हैं किस तरह के हालात हैं। सर एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे खासतौर पर, और जिस तरह से हम कलीग्स बात करते हैं आपस में, उसमें एक चीज ये है कि अश्विनी वैष्णव ने जरूर कहा कि देश का और दुनिया का भी सबसे बड़ा प्रतिष्ठानों में से एक है रेलवे, और इस तरह से जो प्रक्रियाएं हैं वो हम लोग कोशिश करें कि बेहतर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता नहीं है कि 3 साल हो गए एक एग्जाम को कराने के लिए, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। तो ये तो पहली बात तो ये कि देश में बेरोजगारी के स्तर को दिखाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग 35,000 के आवेदन के लिए भर रहे हैं, 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो एग्जाम भरा हुआ है। तो ये स्थिति अगर ये मानक अगर हम देख रहे हैं तो ये खराब स्थितियों को तो दिखाई रहा है नो डाउट, क्योंकि एक हिंसक प्रदर्शन हो जाता है और प्रदर्शन की स्थिति ये है कि पुलिस बच्चों को निकाल निकाल कर पीट रही है और बच्चे भी जो हैं वो रेल को ही आग लगा रहे हैं जिसमें वो काम करना चाहते हैं। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल ग्रुप के एग्जाम है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं क्या वो हमें नहीं लगता कि बहुत ही खराब चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही हैं? सबसे पहली बात तो ये जो आंदोलन है
ये आज मतलब अब से दो दिन पहले ये जरूर फिजिकली शुरू हुआ बिहार में, रेल ट्रैक पर लोग आए, लेकिन असल में आंदोलन 2019 से ही चल रहा है, क्योंकि जब 2019 में जब कोई अपडेट रेलवे की तरफ से नहीं मिला, तब से छात्र इस आंदोलन को, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से, वो स्टूडेंट्स इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई बार मतलब रेलवे की तरफ से काफी बार इस बात का जवाब नहीं आया कि आखिर ये देरी किस बात को लेकर हुई, और आखिर ये 3-4 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा, और अगर एक एक भर्ती के लिए 3-4 साल का इंतजार करेंगे तो आखिर कब जाकर नौकरी मिलेगी। जैसा आपने जिक्र किया कि प्रदर्शन हिंसक हुआ, विरोध करते हुए ट्रेन में आग लगाई गई, तो देखिए सबसे पहले तो हिंसा का कोई भी फेवर तो करेगा नहीं, और यही रेल मंत्री का भी कहना था। रेल मंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग है जो छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, यहाँ निशाना किस तरफ है ये शायद समझने वाले समझेंगे। तो आई थिंक हिंसा का फेवर तो कोई भी नहीं करेगा, दूसरी तरफ छात्रों के जो इश्यूज हैं उनको भी कोई डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अब जो पूरी स्थिति दिख रही है उसमें हमें समझ में आ रहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरह का हल्ला है, सोशल मीडिया पर ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर है, जिस तरह से हम बीते 2-3 दिन से देख रहे हैं कि हर तरह से ट्रेंड हो रहा है, और इसके बाद जो है हर व्यक्ति इस बात का इस बात में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, या फिर वो टीचर्स हो जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो पूरी तरह से इस पूरे जो एजिटेशन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये आखिरी सवाल में ही लूंगा मैं, कि जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं ये कब तक सुधार में आ सकती हैं? क्या हम ये जो बातें हैं इनको ही अभी मान लें कि हाँ ये जो जांच होगी वो बेहतर हो जाएगी और जल्दी ही चीजें क्लैरिटी से आ जाएंगी, या फिर अभी वक्त लगेगा जैसे 2019 से अब तक अलग है? देखिए सबसे पहले तो रेलवे ने ये कह दिया इतने आक्रोश के बाद, जब छात्र सड़कों पर आ गए, जब इतना हंगामा हो गया, ट्रेनों में आग लगने लगी, तब जाकर दूसरे तीसरे दिन सरकार ने कहा कि हम इन मामलों को देखेंगे, इन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो सब तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन असल में जो रेलवे रिकमेंडेशंस के आधार पर जिस तरह एक्ट करेगा वो कागजी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वो सिर्फ कागज पे लिखी हुई एक बात नहीं होनी चाहिए कि हमने ये कर दिया। छात्र यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ असल में सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि एक कागज पे लिखी हुई एक बात हो, जैसे कि 2019 में नोटिफिकेशन निकला लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कब जाकर हो रहा है, असल में नौकरियां कब जाकर मिल रही हैं। मतलब 2019 और आज हम 2022 में बैठे हैं लेकिन हाथ में नौकरी तो किसी के नहीं है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स को जानती हूँ, उसी आधार पर मैं आपकी बात का जवाब भी यहाँ दूंगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी प्राइवेट नौकरियां, ठीक ठाक नौकरियां छोड़कर आए कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, अब चाहे वो ग्रुप जी हो या फिर एनटीपीसी के एग्जाम्स हो। कई छात्र हैं, कई सारे फॉर्म्स भरते हैं, उनमें आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के उन्होंने भरे, और कई ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम के भरे ही होंगे। और बात करें कि कई अच्छे नौकरियों पर बैठे लोग, ठीक ठाक नौकरियों पर बैठे लोगों ने, जिनको था कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, और जैसा कि एक नोशन भी रहता है लोगों के मन में कि सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, तो वो 2019 वाली नोटिफिकेशन की तरह कागजी नहीं होना चाहिए। जो भी फैसला आप स्टूडेंट्स के लिए लिया जाए वो उनके हित में हो, और जैसा रेल मिनिस्टर ने आज कहा कि वो संवेदनशीलता से इसको देखेंगे, अब कितना क्या उसको ये एनालाइज करेंगे, किस तरह का फैसला लेकर आएंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अंत में उम्मीद यही करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं वो असल में समझे जाएं और उन पर एक अच्छा फैसला लिया जाए। और बात सिर्फ इसी साल की नहीं है, आगे और भी भर्तियां होंगी, रेलवे ही नहीं और एग्जाम होंगे, लेकिन अगर एक एक एग्जाम में 4-4 साल लगेगा तो वाकई जैसे आपने कहा कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो निधि ने जो बताया वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में लिया जाए और जो फैसला हो वो जैसा भी हो जल्द लिया जाए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो जल्द लिया जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन रही है वो खराब चीजों को दर्शाती है। एक इम्पोर्टेंट बात आपने जो कही यहाँ पर कि कई सारे छात्र हैं जिनसे आपकी बात हुई, वो अपनी प्राइवेट नौकरी को छोड़कर
रेलवे की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उनको लगता है अभी भी, खास तौर पर सरकारी नौकरी का जो पक्ष है हमारे देश में उसमें रेलवे तो एक टॉप पर आता है कि लोग रेलवे में यही कारण है कि 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई भी किया। जी बिल्कुल, तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स पर जो अनियमितताएं हुई हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की अनियमितताएं हैं, इससे जुड़ी हुई हर तरह की खबर आपको हम न्यूज तक पर दिखा रहे हैं लगातार। और निधि इसको बड़े शुरुआत से इसको कवर कर रही हैं, संवेदनशीलता से आपको समझा रही हैं और आसान भाषा में, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि आखिर बात है क्या है। निधि आप इस पूरे मामले पर परत दर परत पूरी बात बता रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और स्टूडेंट्स भी लगातार ये देख रहे हैं न्यूज तक पर लगातार इस तरह के जो हम वीडियोस या फिर स्टोरीज डाल रहे हैं वो लोग लगातार उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके किसी भी तरह के कमेंट्स हो, किसी भी तरह की बात हो, आप जरूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी बात है उसका जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।